दोस्तों, मेडिको केयर के एक नए वीडियो में आपका बहुत ही स्वागत और बहुत ही वेलकम है। आज हम जानेंगे आइबोप्रोफेन के बारे में। आइबोप्रोफेन आप जानते हैं कि बुखार की दवा है और बुखार में इस्तेमाल होने वाली बहुत ही कॉमन मेडिसिन है। बच्चों में इसको कैसे दिया जाता है, बड़ों में कैसे दिया जाता है, तो इसको हम देख सकते हैं कि एज एंटी पायरेटिक एनाल्जेसिक 5 to 10 mg। यहाँ आप देख सकते हैं कि 5 to 10 mg पर केजी पर डोज, ठीक है। यानी कि 5 to 10 mg पर केजी पर डोज का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई बच्चा अगर 10 किलो का है तो उसे हम 5 mg पर केजी पर डोज के हिसाब से दे सकते हैं, तो उसे हमें 50 mg देना होता है। और ये चीज़ हम 100 mg तक दे सकते हैं, 5 to 10 mg तक हम दे सकते हैं। और इसको कैसे करना है कि 6 to 8 आवरली, यानी कि 6 से 8 घंटे में हम दे सकते हैं एक बार, एक डोज का 6 से 8 घंटे में एक डोज का दिया जा सकता है। तो ये होता है इसका डोज। और मैक्सिमम जो है मैक्सिमम डोज 40 mg पर केजी एवरी 24 आवर्स, यानी कि 40 mg पर केजी 24 घंटे से ज़्यादा डोज आपको नहीं देना है। यानी कि अगर मान लीजिए कोई भी किसी का वज़न 20 है, 20 किलो है, तो उसको 800 mg से, यानी कि आप 40 घंटे 24 घंटे में 800 mg तक दे सकते हैं। ये मैक्सिमम डोज होता है, जबकि उसको देना होता है 200 mg, 150 mg में ही काम चलाना होता है। अब हम देख लेते हैं कि फर्जोवेनाइल रूमेटाइड आर्थराइटिस 30 to 70 mg पर के जी पर डे, यानी कि जो जुवेनाइल यानी कि बच्चों में अगर रूमेटाइड आर्थराइटिस होती है तो उसमें 30 to 70 mg पर के जी पर डे पर डोज से ज़्यादा चलती है। अब आगे हम देखते हैं कि फर्डक्ट क्लोजर, ये देख सकते हैं आप कि फर्डक्ट क्लोजर इन प्रीटर्म बेबीज 10 mg पर के जी IV फॉलोड बाई 5 mg पर के जी IV एवरी 24 आवर्स फॉर 2 डोजेस। यानी कि कुछ बच्चों में ये होता है कि दिल का जो जिसको हम कहते हैं ना कि बच्चों में दिल में सुराख रह गया, बंद नहीं हुआ, तो ऐसी कंडीशन होती है, तो उनमें जो है वो 10 mg पर के जी IV यानी कि इंट्रावेनस दिया जाता है। और उसके बाद हम 5 mg पर के जी IV के हिसाब से देते हैं। तो ये होता है इसके देने का तरीका। द सेम डोज कैन बी गिवन ओरली, यानी कि यही डोज उसको हम ओरल भी दे सकते हैं। अगर हम एडल्ट डोज के बारे में बात करें, बड़ों के बारे में बात करें, तो 400 से लेके 600 mg हर 8 घंटे में दिया जा सकता है, या जब ज़रूरत हो दिया जा सकता है। 400 mg का टैबलेट आता है एबोप्रोफेन का, तो उसको हर 8 घंटे पे दे सकते हैं, यानी कि दिन में 3 बार, या जब ज़रूरत हो तो दिया जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि कांटा इंडिकेशन, यानी कि क्या आइबोप्रोफेन का क्या कांटा इंडिकेशन होता है, कब इसको नहीं देना होता है। तो अगर किसी को सैलिसाइलेट या नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग से एलर्जी है एनेट से, तो उसको नहीं देना है। पेप्टिक अल्सर में बिल्कुल भी नहीं देना है। किसी को पेट में अल्सर है तो उसको नहीं देना है, ये आप देख सकते हैं पेट में अल्सर है, तो ये 2 कॉन्ट्राइंडिकेशन इसके हैं। अब ये थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन से टैबलेट, कौन कौन सी ब्रांड आती हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आइबोजेसिक है, ब्रोफेन है, ब्रेन है, अल्फ्लाम है, इम्फ्लाम टैबलेट 200 mg, 400 mg, 600 mg, यानी कि 200 mg का, 400 mg का और 600 mg का टैबलेट आता है। फेब्रिक्स है, आइबोजेसिक है, बहुत सारे आप सिरप भी आपको मिलेंगे। आइबोजेसिक प्लस है, एबोप्रोफेन से बहुत सारे सिरप, बहुत सारे टैबलेट आपको मार्केट में इसके मिलते हैं। तो दोस्तों, इसका जो मेन इस्तेमाल होता है वो बुखार और दर्द की कंडीशन में होता है। और अगर किसी को पेट में अल्सर है या किसी को इससे एलर्जी है तो उसको इस्तेमाल नहीं करना है। और ये इसका सही डोज और सही यूज़ हो गया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।